भाग गया बच्चा, बच्चा इतनी मिल रहा, जबरदस्ती मिल लीजिए। ये आई है गद्दे की देख। वन टू थ्री, दिस इज बट मच बेटर। देवर खा के बता रहे हैं, भाई भाई के हाथ का बना शीर खुरमा या भाभी के हाथ की बनी पुडिंग? भाभी के हाथ की पुडिंग। थोड़ी देर बाद ईद की दावत है और मजे का फैमिली के साथ बैठ के हल्ला गुल्ला और कीनू की साथ में बर्थडे। क्या कंफ्यूजन है फैसल राव, क्या कंफ्यूजन है? आप सबने वाइट पहने, मैंने भी वाइट पहनने की कोशिश की, आप चेंज करो और क्या करो, चेंज ना करो ना, अच्छे लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं वाइट में। खुद आपने कहा चेंज करो, आप पिछली वीडियो में छा गए हैं, सबको बड़े पसंद आए हैं आप। क्या आपने एक्सप्रेशन दिए हैं, गोरियाना चुराना मेरा जिया, और ये आप वैसे लगते तो नहीं है वैसे, जितने मतलब आपने एक्सप्रेशन दिए थे प्रोफेशनल। आज सुबह 4:30 बजे मैंने सबको उठा दिया हुआ था, 5 बजे एवरीबॉडी वॉज अप, 5:30 एवरीबॉडी वॉज रेडी फॉर द नमाज। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जब आप एक घंटे का अर्ली वार्निंग दें तब लोग होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम टाइम पे पहुंच गए और इतना टाइम पे थे कि हम पहली सफ में जगह मिल चुकी हूँ। और जनरली ईद मुबारक ऐसे मिली जा रही थी, कल है ईद मुबारक, ईद मुबारक हुई आज। और फैसल ने कपड़े चेंज कर लिए। ओहो, कपड़े क्यों चेंज किए आपने? यार मैं दूसरा ड्रेस ट्राई करना था लेकिन ये थोड़ा सा लूज है, मुझे यहाँ से एटलीस्ट 4 inches मुझे ना यहाँ से लूज है, यहाँ बहुत ही प्यारा है। और जूते भी दिखा दें आप, ये वाली चप्पल ट्राई की है, आला, टो से भी पैडेड है, हील से भी पैडेड है। जूता मैं वो पहनता हूँ जो कि कंफर्टेबल हो, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। देखिए कपड़े जो भी हो, शूज मेरे वही है। अगर आप बेगम को दवाई टाइम पे नहीं देंगे तो ये हो जाएगा। कह रहे हैं अगर बेगम को दवाई टाइम पे नहीं देंगे तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे, नो प्रॉब्लम। ये ब्यूटीफुल ड्रेस चेक करें आप, शूज पे ना जाएं, शूज में बाद में पहनूंगी जब मेहमान आएंगे। लेकिन ये जो मेरा ब्यूटीफुल ड्रेस है इसके पीछे कहानी है, पता कहानी कुछ यूँ है कि मैं एक लेडीज ग्रुप में देख रही थी कि किसी ने पूछा कि ये फला ड्रेस वाइट पिक्चर के साथ ये किस डिजाइनर का है, मुझे को बताएं। मैंने देखा बड़ा ही प्यारा था ड्रेस, मैं किस डिजाइनर का है, और नीचे जब स्क्रॉल किया तो बहुत सारे लोगों ने नाम बताया कि ये मरियम गुल बसरा का ड्रेस है। मैंने अपनी टीम से कहा कॉन्टेक्ट करो उसको, मुझे बहुत सारे पीआर पैकेजेस आते हैं लेकिन कुछ ड्रेसेस जो मुझे हसीन लगते हैं तो वो मैं डिजाइनर को खुद कॉन्टेक्ट करके कहती हूँ भाई ये ड्रेस थे मैं ले सा, कोलैबोरेशन हो जाए आउटसाइड के साथ, देन आई ऑफर देम माय सेल्फ व्हिच आई एम प्राउड ऑफ, बिल्कुल कि अप्रिशिएट करना चाहिए डिजाइनर्स को। नेक्स्ट डे आई है मरियम, ये लेके बॉक्स, अब बॉक्स तो नहीं, ये बैग लेके मरियम फिर आ गई नेक्स्ट डे मेरे होटल में, व्हेन आई वाज इन लाहौर, अभी 2 दिन पहले की बात है। और इतने झटपट मरियम गुलबसरा ने, इनका असली नाम है मरियम फैसल, वो आई मेरे लिए ड्रेस लेके, एंड आई जस्ट लव इट, मतलब पिक्चर से भी ज्यादा हसीन जो है ये ड्रेस है, एंड चेक इट आउट। आजकल मेरा बेस्ट ही वाइट पे दिल आया है और समर में वाइट बहुत हसीन लगता है। अच्छा बाकियों ने क्या पहना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले हो जाए ईद चैलेंज। अब आप मुझे पता क्या आप ये कर सकते हैं? 1 2 3 Seriously? Please, I'll show you one more time. Please observe very closely. और आप भी अपने हस्बैंड से कह सकते हैं कि वो ये चैलेंज दें। 1 2 3 This is but much better. सही नहीं कर रहे आप, दिल से नहीं कर रहे। अच्छे अच्छे लोगों के नाम क्या पता, that's not the way, the right way is आप इसमें पटाख लाएं, it's a very glamorous activity by the way, हैं? ईद मुबारक, ईद मुबारक, गीले कपड़ों के साथ ये भी होता है, बच्चे नहा के आते हैं और गीले होते हैं, बेटा टॉवल नहीं था आपके पास, प्यारा है जो बच्चा।
अजान छूटा था इससे ना चुटकी नहीं बजती थी, ऐसे बजाता था। तो एक और सरप्राइज भी आज ईद के साथ साथ, ईद का लंच है, हमारी कोको खाला भी आ रही हैं और उनके बच्चे भी आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड्स हैं, मज़ेदार सादात साकिब, तो वो लोग भी आ रहे हैं। मैं बताऊँ आपको क्या हो रहा है अंदर, ये देखिए मैं आपको सरप्राइज बताती हूँ क्या ये है कि हम साल में चार जो बर्थडे बनाते हैं उनमें से एक बर्थडे आज इनो की फिर से है। ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक माशाल्लाह। ये अब्बा ईद मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अब्बा हम ऐसे ही आजान की फिर से बर्थडे बना रहे हैं। माशाल्लाह। सॉरी क्या वैसे तो फरवरी में होती है, वैसे भी इतना अच्छा दिन। देखिए आपको एक और चीज दिखाऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेशल खिदमत है। क्या ईद पे ये मेरा सरप्राइज। अब मेरी जो सास हैं बहुत प्यारी हैं, हमारी जान हैं, उन्होंने हमें एक सरप्राइज दिया। ये इन्होंने हमें दिए हैं दो देगे ईदी के साथ। सलाम ईद मुबारक। कितनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, दिखाएंगे ड्रेस। सो ग्रेसफुल। ऐसी एक बात है, मेरी अम्मी सबसे ग्रेसफुल है, मैंने आपसे ज्यादा ग्रेसफुल कोई नहीं देखा, हो नहीं सकता। यहाँ कोने में देखें, हाँ शूज नहीं दिखा रही। शूज बेटा माँ की तरह तुमने भी शूज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फरवा जो है जबरदस्त मेहंदी लगा रही है ईद के पहले दिन अलीजे को। उफ लग गई अलीजे ने, इतना मुश्किल डिजाइन मुझे बताया था, मैंने कहा ये कौन बनाएगा। इसके बाद बारी है अम्मी की। अम्मी आप रेडी हो जाए मेहंदी के लिए। तैयारी तो देखी माशाल्लाह। मम्मी शायद कहती है कि रीज़ा तुम जो लिपस्टिक लगाती हो नजर नहीं आती, आज अपनी ब्राइटेस्ट लगाई है ताकि मम्मा को नजर नहीं आती। बहुत प्यारी लिपस्टिक और ये मेरा शेड भी है। खराब कर दी। अम्मी ऐसे बिल्ली को नहीं प्यार करते हैं। कहते हैं अम्मी जी टाटा, अब्बू जी टाटा। अम्मी जी टाटा, अब्बू जी टाटा, स्कूल हम पहन के जाएंगे बड़ा। थोड़ी देर बाद ईद की दावत है और मजे का फैमिली के साथ बैठ के हल्ला गुल्ला और कीनू की साथ में बर्थडे। ईद मुबारक। सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल। और अम्मी सबको ईद दे रही हैं, मुझे भी सुबह सुबह ईदी। छुपा लो जान, छुपा लो। अम्मी थैंक यू। अम्मी ईदी का थैंक यू, मुझे भी ईदी मिल गई। थैंक यू अम्मी। खुश हो जाएं क्योंकि मैं बना रही हूं आपके लिए पुडिंग। वेल डन माशाल्लाह। चलो बारी आ गई। हां ये रही ईदी की तरफ से बस एक बाकी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इसमें ये फालतू काम लफाफा है। ये चेक करें फैसल, ये तरीका होता है। हेलो, तरीका हमारा सीधा है, सिंपल। अब वो अजान और क्या अजान क्या सब इधर ड्राइंग रूम में आए, बल्कि आप वहाँ बैठे। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ अब्बा के लिए पुडिंग। और पुडिंग ये सिर्फ बनती है पुडिंग मेकर में, जिसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें स्टीम कर सकते हैं। रेसिपी नोट कर लें, 6 अंडे, आधा लीटर दूध मिक्स किया आपने ब्राउन शुगर के साथ। अब आपने शुगर को कैरामलाइज करके इस बोल में डालना है। उसके बाद मैं शुगर कैरामलाइज करके इसमें डालूंगी। कैरामलाइज क्या करते हैं, चीनी डाल के हल्का सा उसको चूल्हे पे रख के पकने देते हैं कैरामलाइज ना हो जाए। शुगर आपने कौन सा बड़ा काम किया। अच्छा यहाँ भी तारुफ करवा देना इससे जरा, ये जो मैंने बनाया रात को मेरी मेहनत। ये आई है जद्दे की देख, जिसमें स्वीट वाले राइस है, टॉफी वाले राइस है। ये है हलवा, चावलों वाली देख है। ये फैसल ने बनाया शीर खुरमा, द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
कोफा था, कोफ्ते। और ये नादी ने सबसे अच्छी डिश बनाई है जी जी। ये आप मतलब किसी भी टाइम देख सकते हैं, आपको फ्रीज भी नहीं कर सकते। ये बहुत एम्बैरेसिंग है ना फैजल, क्या हो गया? ये मेरी सीक्रेट रेसिपी मत देखिए। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ये गिर रहा है, ये खत्म हो जाएगी ना करें, इतना खत्म हो जाएगी। दूसरी डिश नादी ने ये बनाई ना करें ना। नहीं नहीं दे, थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा थोड़ा सा हमारे घर में नाज़रीन पतीले ही पतीले, हर हर जगह पतीले, यहाँ पे भी पतीले, यहाँ पे भी पतीले। हेलो फुटबॉल, ये देखे ना, ये देखे, इसको पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखो, ये टॉफी वाले राइस, स्वीट वाले राइस, सिंपल मैकेनिज्म है इसका, और इसको हम छोड़ देंगे 30 मिनट्स। अब इसमें से स्टीम आने लग जाएगी, स्टीम बनने लग गई है, वेरी नाइस। फैसल के भाई ने आना है, रजा भाई ने आना है, उमर भाई तो नहीं है, आउट ऑफ सिटी है, लेकिन ये आ गया बच्चा पार्टी। ईद मुबारक, चला रजा भाई मुबारक। सलाम, कैसे रजा भाई हमारे हर वीडियो में होते हैं हमेशा। ये क्या, ये के तीनों और फातिमा की बर्थडे आज। हाँ हाँ, फातिमा हमारी भी बर्थडे आज, माशाल्लाह। क्या बात है, देवरानी की बर्थडे और बेबी की बर्थडे साथ साथ। दो बेबीज की बर्थडे आज। अम्मी को मेहंदी कौन, अम्मी को कौन मेहंदी, फातिमा मेहंदी लगानी है, आ जाओ बैठ जाओ। अच्छा मेहंदी लगा ली तुमने, आपकी मेहंदी लगा ली। भाग गया बच्चा, बच्चा इतनी मिल रहा, जबरदस्ती मिल लीजिए। अच्छा जी, पिक्चर पिक्चर प्लीज, यादगार पिक्चर। ये वेरी नाइस, थैंक यू। मम्मी पीछे बलून भी आपके सुपरमैन का। स्माइल को खाला, स्माइल। बच्चा पार्टी इधर आए, क्या चल रहा है? नाइस बलून ना। हेलो प्रिटी गर्ल्स, स्माइल। ये है सदफ, ये है फातिमा, फातिमा मेरी देवरानी है, सदफ मेरी छोटी बहन है, बड़ी प्यारी सी। क्रिमसन का पहना था ना, क्रिमसन का तुम्हारा ब्रांड है, क्रिमसन बहुत प्यारा लग रहा है। इसका पिता अच्छा, हमारा मेकअप पिता अच्छा। मेरी एक देवरानी आई है और एक मिसिंग है। अगर तुम्हारे कपड़े बहुत प्यारे, आई लव योर कलर में। क्या है ये, कौन सा ड्रेस है? इधर बताओ। क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर के रेडीमेड होते हैं स्टिच। और ये सुकून है ना। बर्थडे गर्ल ये है, फातिमा की बर्थडे है, फातिमा तुम्हारी बर्थडे आज, और तुम हो गई आज 18। सीरियस मेरू फातिमा की बिठा लो, फातिमा भी आ जाए भी। शुरू करो। नो अब आए ना, आप कितने दूर चले गए? मैं ब्रस्ट मार रहा हूँ। वेरी गुड।
ये बात देख, आज से खाना स्टाइल नंबर वन। क्या बात है, क्या नफासत है, सफाई से। आहा, प्यार तो ये है, करते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हो ना बात, माशाल्लाह। रजा भाई का स्टाइल नंबर फोर। ये ऐसे खाया जाता है, वाह 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 वाह। पांच स्पून आपको अल्लाह ताला ने कुदरत दी है आपको, आपको दस नमाज जाना चाहिए। यहाँ का कैजुअल माहौल है माशाल्लाह, घर की बात है, घर में सब ऐसे ही खाते हैं। अब्बा हाथ से नहीं खाते कभी भी नहीं। ये है लोबिया चाट, दही बड़ा, और ये अब आप हाथ से नहीं खा रहे। नहीं ना, मुश्किल लगता है। मैं तो अपना आराम से। हाँ, अम्मी की जो मर्जी हो अम्मी कहेंगे, कोई बात नहीं। ये बचा पार्टी, बेबी पिंक, टी पिंक, वाइट है ना, एक एक ये कलर अच्छे लगते हैं। ये है छोटा सा क्रैक आया है, बट बाकी सही है। ये फैसल ने बनाया है और हम चाह रहे हैं कि कंपटीशन हो, खीर खुरमा जो फैसल ने बनाया है वर्सेस पुडिंग जो नादिया ने बनाई है। जजेस पुडिंग विनर, पुडिंग विनर, खीर खुरमा विनर। आपको दोनों खाने पड़ेंगे, बेटे के हाथ के बनाए हुए, बेटी के हाथ के बनाए हुए, फिर आपने बताना है बेस्ट मीठा कौन सा। अभी आपको ट्राई करना है दोनों और बताना है कैसा है। ये मैंने बनाया, मैं अम्मी कैसे, बहुत मजे का, बहुत मजे का। तो क्या जीता अम्मी, कैसे से नंबर ले। आहा, अम्मी ने कहा मैं जीत गई। देवर खा के बता रहे हैं, भाई भाई के हाथ का बना शीर खुरमा या भाभी के हाथ की बनी पुडिंग। भाभी के हाथ की पुडिंग। सब पके हुए, मेरे आपने पैसे नहीं दिए वो बाद में भाई, बाद में ऐसे पढ़ाई उन्होंने अच्छे लेकिन बाद में। सच सच बताना, बिल्कुल सच सच। पुडिंग खाई पहले, नाइस। एंड खीर खुरमा किसका अच्छा है ज्यादा, दोनों अच्छी, दोनों को अच्छा। सीरियसली आप मेरी बोरी तैयार करवा ले, राव भाजी जीत गए। पुडिंग अच्छी है या खीर खुरमा, पुडिंग बहुत अच्छी है, खीर खुरमा बहुत अच्छा है, जरदार दिव्य ने। सादात तुम्हारा क्या ख्याल है, खीर खुरमा या पुडिंग? आपके मिलाए हुए सारिफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए, शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैं जीत गई, मुझे लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। बाजुओं में भरी शौक की ये बिजलियां, इंतजाम में ये कैसा एहसास है, मैं तेरे पास हूँ तू मेरे पास है, लगी ये शोखियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, बस एक चांद ज़ुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला मैं। पहली बार जब हम मिले हो गए शुरू ये सिलसिले, हो गया ये दिल दीवाना,
नजरों में ढूंढू मैं तेरे निशान, मैं न जानू है आखिर ये क्या कारवां, तुझे देखूं तो आए लब पे खुशी, खुदा ना करे हो कभी दूरियां। वो पहली बार जब हम मिले, बहुत बहुत मजेदार। इधर आप अच्छा सा पार्टी मुझे दिखाओ। अच्छा मैं स्लो मोशन में करूंगी। जामुन के दरख्त लगाए थे, रुक जाओ, दो जामुन के दरख्त लगाए थे ये सोच के कि एक में तो आएगा फ्रूट, दोनों में एक में फ्रूट आ गया है। अभी हम जा रहे हैं उसमें से जामुन उतारने। शाबाश मेरी टीम, गांव का एक्सपीरियंस काम आ रहा है, जामुन जाया हो रहे थे, मैंने कहा निकाल के लाओ। ये जामुन का दरख्त ये मेरे घर में है। शाबाश मोटे मोटे जामुन मेरी टीम, तोड़ देना कच्चे छोड़ देना। ये गिरे हुए भी हैं बल्कि जामुन, ये जामुन गिर रहे हैं, जाया हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम इनको उतार के खा लें। आराम से एक फिज़ा हैं, कह रही हैं ये दरख्त पर चढ़ने की एक्सपर्ट हैं। हिनू कहाँ है? नीचे गिर रहा है। वैसे गिर रहा है, मैं नहीं गिर रहा। कोई बात, मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि देखें ये मैंने काम किया था 7-8 साल पहले, और माशाल्लाह देखें कितना अच्छा फ्रूट आ गया घर में, और ये देखें प्यारा सा बच्चा आ गया। आई लव यू बेटा। तुम दरख्त नहीं चढ़ सकते? ये बात ना, हम गांव में नहीं रहे ना, हमें ये काम नहीं आते। कितना अच्छी स्किल है दरख्तों पर चढ़ना। वो देखो समी कहाँ चढ़ा हुआ है। ऊपर तो चढ़ा हुआ, नीचे नहीं आऊंगा। वाह वाह, अकेले अकेले बेटा, दो नहीं है पहले। ये देखिए यहाँ अनार भी है, अंजीर भी है, अमरूद भी है। अम्मी कैसे आए हैं? जामुन पिज्जा, थैंक यू। मैंने बाजी कुछ बताया, जबरदस्त चैंपियन। ओए होए होए, ये दिखाओ उधर ला तुम। अम्मी अच्छे जामुन है ना, ये जरा धो के लाए ना फिर इसको खा। मैंने कभी ऐसे ना ऐसे नहीं, इतने फ्रेश नहीं खाए। नमक बिल्कुल, नमक लगा के, नमक अलग से दे। इतनी सारी है बाजी, बहुत पक गए हैं। पक्के ना, निकालने पड़ेंगे देने, वरना फिर खराब हो जाएंगे। ये निकाल के किसी को दे दो। हाँ दे भी देंगे। आप इसको ना थोड़ा सा धो के लाए। व्हाट आर यू डूइंग? पैसे लेते मजे के हैं। ये देखे द जामन। ओहो ये पापा पापा ओपन आई लुक क्लोज। ओके आप पापा बने हुए हैं, कीनू पापा है और ये फैसल बेबी हैं। और ये शैम्पू आई क्लोज और ओपन। ओके आई लव यू पापा। पापा पापा यहां पे शैम्पू प्लीज। शैम्पू कीड़ा वाला, कीड़ा वाला शैम्पू। ये बेस्ती करा रहा है। कीड़ा वाला होता है, एक्सफोलिएटिंग शैम्पू होता है। हाँ जी। पापा पापा मैं आई, पापा आई, शैम्पू आई। ओके क्लीन किया। कौन सी शैम्पू? ये कौन सा लगा, बेबी शैम्पू? कौन सी शैम्पू? बेबी शैम्पू लगा। ओके ओके लगाए पापा। बहुत मजे के लग रहे हैं। आई नो, दोपहर के 12 बजे हैं, मौसम चेक करें। जामुन घर के माशाल्लाह अमेजिंग। आसान ईद मुबारक। यू लुक सो हैंडसम। ये देखा, सी व्हाट यू आर वेयरिंग। आह
क्रॉक्स की चप्पल और क्यों नहीं पहनी कोई खेड़ी क्यों नहीं पहनी अरे कितने हैंडसम लग रहे हैं आप अलीजे भी तो बाजू की तुम्हें गाड़ी दोबारा भेजूंगी मैं अम्मी का ड्रेस कितना प्यारा है मैं तो ये देख रही हूँ सबसे स्मार्ट अम्मी लग रही हैं ड्रेस दिखाएं अपना बहुत ही स्मार्ट आई लव दिस कलर अम्मी सबसे प्यारी लग रही है अलीजे तुम पीछे आ रही हो अलीजे का कुछ एग्जाम पढ़ाई चल रही है तो अलीजे उस पर मसरूफ़ हैं अम्मी गॉर्जियस